देखिए मुझे ये रिसीव नहीं की, मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये मुझे 199 की पड़ी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर सेम टू सेम है ये। माय गॉड, ये सेम टू सेम साड़ी मुझे रिसीव हुई हो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पुष्पा, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आलिया भट्ट का लुक क्रिएट करने वाली। जो भी साड़ियाँ रॉकी एंड रानी में आलिया भट्ट ने पहनी है, वो सारी साड़ियों में कुछ साड़ियाँ मैंने ऑर्डर की हैं। जैसे मैंने 4 साड़ियाँ ऑर्डर की हैं और वो सारी साड़ियाँ मैंने 400 में मंगवाई हैं, यानी 400 के अंडर मंगवाई हैं। और ये साड़ियाँ आप लोग बहुत ही आराम से मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जितनी साड़ियाँ हैं वो कुछ प्रमोशन में आलिया भट्ट ने पहनी है, और कुछ जो साड़ियाँ हैं वो उन्होंने मूवी में पहनी हुई है रॉकी एंड रानी की। तो ये आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट साड़ी है ये, जो कि उन्होंने ये तुम मिले सॉन्ग में उन्होंने है। देखिए मैंने ये ऑर्डर किया था मीशो से, और ये मुझे कुछ समथिंग 200 की या 300 के अंडर ही पड़ी थी। मैं प्राइस भी मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ये पहली मैं देख लेती हूँ ये साड़ी मुझे कैसी रिसीव हुई है। तो दिल थाम के बैठी क्योंकि मीशो में कभी कभी चीज़ें रॉन्ग भी आ जाती हैं, यानी मीशो में कभी कभी कबाड़ा भी आ जाता है। जी हाँ, मेरे साथ 2 बार हो चुका है। मैंने एक बार एक लहंगा ऑर्डर किया था, ये देख सकते हैं ये लहंगा ऑर्डर किया था, और मुझे साड़ी क्या रिसीव हुई है वो साड़ी की इमेज में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं पहले ये सब चीज़ें मैं बाद में बात करूंगी, चलिए पहले साड़ी मैं ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट साड़ी है ये, साड़ी आप लोग देख सकते हैं रेड कलर की है। उन्होंने तो मिले सॉन्ग में बहुत सुंदर लग रही थी ये, मुझे पर्सनली ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, और रेड कलर मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने ये साड़ी ऑर्डर की थी। और देखिए मुझे ये रिसीव नहीं की, मैंने इसे ओपन कर लिया है। चलिए ये देखते हैं ये मुझे कैसा रिसीव हुआ है। तो ये देखिए ये कलर कुछ ऐसा है, वाओ, आई थिंक थोड़ा ये ब्लडी रेड बोल सकते हैं इसे, बट ये कुछ रेड टच में है, उसमें मेहरून टच है आई थिंक। ये इमेज आप देख लीजिए, और कैमरे में थोड़ा सा और लाइटन आ रहा है, बट सामने से देखने में थोड़ा सा डार्क है। और इसमें अच्छी बात ये है कि आप लोग देख सकते हैं ये इसमें ये गोटा पट्टी लगी है, गोटा पट्टी बहुत सुंदर है, गोल्डन कलर की है, और पूरी साड़ी प्लेन है, ये बहुत अच्छी लग रही है। और मटेरियल इसका जो है वो है जॉर्जेट में, ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट जॉर्जेट है, और जॉर्जेट बहुत ही हल्का कपड़े में है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक ब्लाउज पीस दिया गया है, ब्लाउज पीस जो है वो भी सेम टू सेम कलर में ये देखिए दिया गया है। तो ये ब्लाउज पीस का जो कपड़ा है वो है आई थिंक ये कॉटन के कपड़े में है, और इसमें भी बॉर्डर लगाया गया है ताकि आप ब्लाउज बनवाते हैं तो यहाँ पे आप ब्लाउज में ये गोटा पट्टी आपके आ जाए वर्क में। और देखिए ये टोटल जो साड़ी है वो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पूरी फुल प्लेन साड़ी जैसे उसमें वीडियो में दिखाया है। चलिए ये इसे मैं पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो लगा देती हूँ जो आलिया भट्ट ने उस गाने में पहनी है, तो आप लोग देखिए। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया, चलिए अब आज साड़ी में पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो साड़ी पहनने के बाद देख सकते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है, थोड़ा सा लाइट कलर है बट मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अच्छे से जा रहा है, बहुत ही पर्सनली मेरा ये बहुत ही अच्छा कलर मुझे रिसीव हुआ है, यानी मुझे पर्सनली रेड कलर अच्छा लगा, तो ये मुझे वर्क के साथ बहुत अच्छा लगा है। और आई थिंक मुझे वादियों में होना चाहिए इस समय, बट मैं वादियों में नहीं हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप को आलिया भट्ट समझ रही हूँ, बट ऑब्वियसली बात है कि मैं आलिया भट्ट तो नहीं हूँ, बट कुछ हद तक मैंने अपने आप को आलिया भट्ट समझ लिया है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ पे कैसी लग रही हूँ। ये जो साड़ी है ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, लुक आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए अब आइए नेक्स्ट साड़ी मैं दिखा देती हूँ। नेक्स्ट साड़ी जो है वो है, वो भी आलिया भट्ट ने सॉन्ग में पहनी थी, बट आप लोग देखिए ये इमेज है जो सॉन्ग में उन्होंने पहनी थी, मैं यहाँ वीडियो भी चला दूंगी आप लोग देख लीजिएगा। और इसका जो प्राइस है, प्राइस बहुत ही मिनिमम प्राइस में मुझे रिसीव हुआ है, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। और ये साड़ी आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है येलो का टच है, बट मैंने ऑनलाइन देख डाला, बहुत ढूंढा मीशो में नहीं, बहुत सारी वेबसाइटों में भी मैंने देखा, बट मुझे वो साड़ी उस टाइप की रिसीव नहीं हुई। बट मुझे जो साड़ी रिसीव हुई है कलर अकॉर्डिंग, वो कलर मुझे थोड़ा थोड़ा
ये देखिए रिसीव हुआ है, ये देख सकते हैं कुछ हद तक उसमें थोड़ा कैमरे में लाइट कलर आ रहा है, बट ओरिजिनल में बिल्कुल सेम कलर जैसे आलिया भट्ट ने पहना है वैसे ही सेम रिसीव हुआ है मुझे। ये जो कपड़ा है वो है ऑर्गेन्जा का, और आप लोग देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर का वर्क दिया हुआ है, वर्क किया हुआ है। ये देखिए पूरी साड़ी में आपको वर्क मिल जाता है, और इसमें ये मुझे 199 की पड़ी है, मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे और इमेज लगा दूंगी, 199 में पड़ी थी मीशो में मुझे। इसका बॉर्डर नीचे से कुछ ऐसा है और ऊपर इसका बॉर्डर आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ बॉर्डर ऐसा है, और ये कुछ ऑर्गेन्जा के कपड़े में है बट ये जॉर्जेट नहीं कहलाएगा, ये ऑर्गेन्जा के कपड़े में कहलाएगा। इसके साथ मुझे ब्लाउज पीस रिसीव नहीं हुआ था क्योंकि आई थिंक 199 की थी इसलिए मुझे ये रिसीव नहीं हुआ है। साड़ी की मैं बात करूँ तो साड़ी में बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर यानी कि बॉर्डर नहीं है और ना स्टिच है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग ये दोनों साइड ही सेम इसका बॉर्डर है, ये देखिए आप लोग ये और देखिए यहाँ पे काट के ऐसे देखिए कट करके मुझे ये सेंड कर दिया गया है, इस तरफ भी सेम और ये देखिए इस तरफ भी ये देखिए, तो दोनों तरफ बॉर्डर स्टिच नहीं है, ना बॉर्डर है ना ब्लाउज पीस है, बट साड़ी बाद आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि कैसी साड़ी है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये साड़ी मुझे मेरे ऊपर कैसी लग रही है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये साड़ी का लुक कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं कैमरे में कुछ हद तक अब्जॉर्ब नहीं, कैमरे में कुछ हद तक कलर नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कैमरे में लाइट कलर आ रहा है, बट ओरिजिनलिटी में ये कलर सेम टू सेम आलिया भट्ट जैसा है, येलो टच नहीं है, बट इसका जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये बॉर्डर बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल जो आप ओरिजिनलिटी यानी ओवरऑल ऑफ कैमरे में अगर आप लोग देखते हैं तो मुझे ये पर्सनली साड़ी ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बट थोड़ा हल्का कपड़ा है इसके ट्रांसपेरेंट जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बट ठीक है कपड़ा अच्छा है और मेरे तरफ से आप लोग इसे ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ओवरऑल क्वालिटी ओके है। इसलिए मैं बात करूँ तो ओवरऑल ये जो साड़ी है ये साड़ी ओके थी, इसको मैं देना चाहूँगी 2 स्टार, बट मुझे उतनी अच्छी लगी भी यानी कि ओके ही मैं बोल सकती हूँ मुझे। चलिए आइए नेक्स्ट मैं साड़ी आप लोगों को दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी थी वो जो आलिया भट्ट ने पहनी थी वो पहनी थी प्रमोशन में, ये इमेज मैं लगा दूंगी और वीडियो भी साथ में लगा दूंगी कहाँ पे इन्होंने कैसी साड़ी पहनी है, आप लोग भी जाके चेक कर लीजिएगा। तो देखिए ये मुझे ऐसे पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, जैसा इमेज में दिखाया गया है ये साड़ी वाइन कलर की है जैसा कि आलिया भट्ट ने पहनी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर सेम टू सेम है, ये एक रिबन लगा हुआ है, ये रिबन की तरह इसका बॉर्डर है यानी कि गोटा पट्टी है, ये आई थिंक ये रिबन जैसे होता है वैसे ही रिबन चौड़ा सा रिबन लगा गया है ये साड़ी में, पूरे साड़ी में ये ऐसा रिबन लगा हुआ है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ब्लाउज पीस उसे सिल्क के कपड़े में मिला हुआ है, मटेरियल इसका जॉर्जेट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही लाइट मटेरियल है ये, आई थिंक मुझे 350 के अराउंड मिला था, मैं यहाँ प्राइस मेंशन कर दूंगी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये लुक भी जैसे कि सारे लुक तो आलिया भट्ट के परफेक्ट थे ही, ये भी लुक इसका बहुत परफेक्ट था, ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, वाइन कलर की भी थी और आई थिंक ये कलर मेरे पास है भी नहीं तो मैं इसको ज़रूर रखने वाली हूँ, इसे मैं रिटर्न भी नहीं करूँगी। तो ये ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए मैं इसे पहन के दिखा देती हूँ ये पहनने में कैसी लग रही है। तो पहनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है, इसका बॉर्डर सेम टू सेम है यानी कि सेम टू सेम बिल्कुल मैच कर रहा है आलिया भट्ट के लुक का, यहाँ पे जो आप ब्लाउज देख रहे हैं वो ब्लाउज मैंने मैच करने की कोशिश की है, बट ये ब्लाउज मेरे पास एक ही, ये जो मैरून कलर का ब्लाउज एक ही था मेरे पास और ये सभी साड़ियों के साथ मेरा परफेक्टली जा रहा था, तो इसलिए ये ब्लाउज भी मैंने पहना, इसे ब्लाउज बहुत ही अच्छा एक लुक दे रहा था। ओवरऑल लुक की बात करूँ तो आलिया भट्ट के अकॉर्डिंग ये लुक भी परफेक्ट जा रहा है इस साड़ी के साथ, प्राइस के अकॉर्डिंग ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, इसे जरूर बाय कर सकते हैं, मेरी तरफ से इसे 4 स्टार मैं पक्का दूंगी, आप जरूर बाय करें। तो चलिए ये नेक्स्ट मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो नेक्स्ट साड़ी है मेरी फेवरेट पर्सनली, ये मेरी साड़ी जो है मैं इमेज लगा देती हूँ, ये साड़ी भी प्रमोशन में आलिया भट्ट ने पहनी थी ये साड़ी, ये देखिए ओ माय गॉड ये सेम टू सेम साड़ी मुझे रिसीव हुई है, ओ माय गॉड वाओ ये देखिए सेम कलर है, लाइट अले ब्लू स्काई ब्लू लाइट
स्काई ब्लू, ब्लू स्काई ब्लू, ऑरेंज और पिंक, और लास्ट में जो इसका बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं, ये गोटा पट्टी लगी हुई है। और सेम टू सेम, ओ माय गॉड, ये मुझे सेम टू सेम, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे ये मुझे कितने में पड़ी है, आई थिंक 350 में पड़ी है। और ये क्वालिटी आई थिंक अमेजोन पे मैंने देखा 600 में मिल रही थी, ओ माई गॉड। तो मैंने देखा मीशो में, तो मीशो में बहुत अच्छा मिल रहा था इसका प्राइस, तो मैंने इसे फटाफट ऑर्डर कर दिया और मुझे रिसीव भी हो गई, आप लोग जैसा देख ही रहे हैं। और देखिए तीनों कलर इसमें परफेक्टली है, बॉर्डर इसके में मिल जाते हैं, ये देखिए बॉर्डर इसमें सेम टू सेम, जैसे गोटा पट्टी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये गोटा पट्टी सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ। और ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और इसकी ब्लाउज पीस की मैं बात करूं तो ये ब्लाउज पीस आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लाउज पीस जो है ये भी एक कॉटन के कपड़े में है, और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा कपड़ा है, इसे आप ब्लाउज सिलवा भी सकते हैं। और मैं इसके मटेरियल की मैं बात करूँ तो मटेरियल इसका जॉर्जेट है। ओवरऑल लुक की मैं बात करूँ तो आगे मैं पहन के दिखा दूंगी ये कैसा लग रहा है। तो ये लास्ट साड़ी थी जो मैंने ऑर्डर की थी, और लास्ट एक और साड़ी थी जो झुमका वाला सॉन्ग है, जो आलिया भट्ट ने जो साड़ी पहनी थी वो भी मैं ऑर्डर कर रही थी, बट मुझे ये जो हाउल है वो अंडर 300 या 400 के अंडर ही बनानी थी, तो ये सब साड़ियाँ मुझे 300-400 के अंडर मिल गए, और वो साड़ी आई थिंक अभी 500 या 600 और किसी किसी वेबसाइट पे तो 1000 है, इसलिए मैंने ये साड़ी ऑर्डर नहीं की। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ये साड़ी का हॉल ज़रूर बनाऊँगी इस साड़ी का, और पूरा लुक क्रिएट करूंगी आलिया भट्ट का झुमका गिरा रे का। तो आगे वाले नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं इसी पे ही वीडियो बनाऊं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चलिए आइए इसे पहन के मैं दिखा देती हूं। पहनने के बाद आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम गोटा पट्टी है, और आलिया भट्ट के लुक को बिल्कुल रिक्रिएट किया है मैंने, और आलिया भट्ट की जैसी सेम टू सेम ये साड़ी लग रही है। ब्लाउज पीस आप लोग देख सकते हैं, ये लकली मेरे पास पहले से ही था, तो ये थोड़ा थोड़ा मैच कर लिया है मैंने, और ओवरऑल देखे तो लुक बहुत अच्छा लग रहा है, और आलिया भट्ट के मिनिमम मेकअप के साथ ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए मैंने भी नॉर्मल सा ही मेकअप किया हुआ है, ओवरऑल लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ, आप लोग मेरा शॉर्ट भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो गाइस ये रही मेरी सारी चार साड़ियाँ, ये मैंने ऑर्डर किए, ये चारों साड़ियाँ आप लोगों को कैसी लगी, और ये हाउल भी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है, अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।